नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें उसने निजी स्कूलों को कोरोना काल के दौरान अभिभावकों से 60-70% तक ही बच्चों की फीस लेने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले सोमवार को हुई एक सुनवाई में राजस्थान के गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों के प्रबंधन को ये अनुमति दे दी है कि वह वर्ष 2019-20 के लॉकडाउन के दौरान की पूरी फीस वसूल सकते हैं। हालांकि यह फीस 5 मार्च 2021 से 6 मासिक किश्तों में ली जा सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में राजस्थान सरकार को भी गैर सहायता प्राप्त सभी निजी स्कूलों को एक महीने के भीतर सभी तरह के बकाए का भुगतान करने के निर्देश भी दिए हैं। यह महत्वपूर्ण फैसला सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश जस्टिस AAM खनविलकर और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने दिया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ निजी स्कूल संचालकों की ओर से याचिका दायर की गई थी जिसमें उन्होंने लॉकडाउन के दौरान हुए नुकसान को लेकर सुप्रीम कोर्ट से उनका पक्ष सुनने की मांग की थी। वहीं इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निजी स्कूल संचालकों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी और अभिभावकों को पूरी फीस भरने के आदेश दिए हैं। हालांकि वो ये फीस 6 किश्तों में भर सकते हैं। और चलिए अब एक नजर में जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से फीसों को लेकर क्या कुछ कहा गया है। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें हाई कोर्ट ने निजी स्कूलों को 60-70% तक स्कूल फीस लेने का आदेश दिया था। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों के प्रबंधन को अनुमति दी है कि वे 2019-20 के लॉकडाउन के दौरान की पूरी फीस वसूल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में राजस्थान सरकार को गैर सहायता प्राप्त सभी निजी स्कूलों को एक महीने के भीतर सभी तरह के बकाए का भुगतान करने के भी निर्देश दे दिए हैं। तो ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कुछ कहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अनुमति दी गई है कि 2019-20 के लॉकडाउन के दौरान की पूरी फीस अब निजी स्कूल वसूल सकते हैं। और चलिए अब एक नजर में ये जान लेते हैं कि अभिभावक ये फीस कैसे भर सकते हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हिसाब से 6 किश्तों में पूरी फीस दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार अब अभिभावकों को स्कूल की पूरी फीस चुकानी होगी। 5 मार्च से स्कूल अपनी फीस वसूल सकेंगे। हालांकि अभिभावकों को कोर्ट ने राहत प्रदान करते हुए फीस को 6 किश्तों में चुकाने की छूट दे दी है। और वहीं आपको हम ये भी जानकारी दे दें कि 2019-20 में तय फीस के हिसाब से ही फीस देनी होगी। अभिभावकों को कोर्ट ने राहत प्रदान करते हुए फीस को 6 किश्तों में चुकाने की छूट दी है। कोर्ट के आदेश अनुसार प्राइवेट स्कूल 5 मार्च 2021 से छात्रों से सत्र 2019-20 की फीस ले सकेंगे। हालांकि पहले महज ट्यूशन फीस का 70% देना तय हुआ था, लेकिन अब पूरी फीस चुकानी होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें उसने निजी स्कूलों को कोरोना काल के दौरान अभिभावकों से 60-70% तक की बच्चों की फीस लेने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने यह भी कहा कि स्कूल फीस का भुगतान न करने के आधार पर छात्रों को ना तो निष्कासित किया जा सकता है और ना ही उनके परीक्षा परिणाम रोके जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला राजस्थान के लाखों निजी स्कूलों के लिए जो है राहत भरी खबर है। कई स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने इसके लिए याचिका दायर की थी और उनके लिए राहत भरी खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों के प्रबंधन को यह इजाजत दी है कि वह 2019-20 के लॉकडाउन के दौरान की 100% 5 मार्च
2021 से 6 मासिक किस्तों में फीस वसूल सकते हैं, पर सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच ने यह भी कहा है कि स्कूल फीस का भुगतान न करने के आधार पर छात्रों को ना तो निष्कासित किया जा सकता है और ना ही उनके परीक्षा परिणाम रोके जा सकते हैं। राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। भारतीय विद्या भवन SMS और अन्य स्कूलों की अपील पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी जिसने प्रबंधन को केवल 60% से 70% ट्यूशन फीस एकत्रित करने की अनुमति दी थी। गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में यह व्यवस्था तब तक लागू रहेगी जब तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आगे सुनवाई कर कोई फैसला ना दे दे। और चलिए इस मसले पर चर्चा के लिए इस समय दो मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता भरत जी इस समय हमारे साथ जुड़े हैं, इसके अलावा जगजीत सिंह धुरी जी भी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि पंजाब प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रधान हैं। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है ANB न्यूज पर। जगजीत जी, पहले आपका रुख करना चाहेंगे। सर, राजस्थान हाईकोर्ट के एक फैसले पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक बड़ा फैसला सुनाया है, इस फैसले के आधार पर आप क्या कुछ देख रहे हैं? क्या पंजाब में भी कुछ ऐसी ही स्थिति रहेगी? जी देखिए, जो जो फैसला आया है राजस्थान का जी, ये बड़ा बैलेंस फैसला है, बहुत बैलेंस है। इसमें ये नहीं है भी स्कूलों को राहत है, जो पेरेंट्स का कोई काम अफेक्टेड हुआ इसके दौरान तो उनको भी राहत है, वो आसानी से अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स में अपनी जो फीस पे कर सकते हैं। ये जो फैसला है जो पेरेंट्स के लिए भी अच्छा है और जो इंस्टीट्यूशन है उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि उनको अपनी जो फीस है जिनके अगेंस्ट उन्होंने सारी सैलरीज पे की हैं तो उनको वो फीस मिल पाएगी। तो मुझे लगता है ये ठीक है, अच्छा फैसला है, इसमें सबके लिए बराबर है, ये पेरेंट्स के लिए भी अच्छा है और इंस्टीट्यूशन के लिए भी ठीक है। जी बिल्कुल, भरत जी आपके पास आना चाहेंगे, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बारे में आपका क्या कुछ कहना है? किस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आप देख रहे हैं? दोनों ही पक्षों के लिए बराबर की राहत यहां प्रदान की गई है। सर, राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला काफी बैलेंस था, सिंस मैटर अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और उन्होंने अपना इंटरिम डायरेक्शन दिए हैं, तो अभी तो कुछ हम बहुत ज्यादा क्लैरिफिकेशन साथ नहीं कह सकते कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कंसीडर किया है जी। लेकिन सवाल ये है कि इस पैंडेमिक के दौरान देश में काफी लोगों का रोजगार इफेक्ट हुआ है। इवन ऑफ रिकॉर्ड बात यह है कि स्कूल के टीचर्स भी दे आर लेस पेड जी। तो पूरे देश में जब सब लोगों का रोजगार इकोनॉमी ऐसा आई थी तो कीपिंग इन व्यू पेरेंट्स के इंटरेस्ट तो 60-70% ट्यूशन फीस का बहुत रीजनेबल फैसला था। लेकिन चूंकि मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास है, सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री, तो उन्होंने भी किस उन पैरामीटर्स को देखा है कि स्कूल को मैनेज करने के लिए बहुत सारे फंड्स की जरूरत होती है, अगर पेरेंट्स वो फीस नहीं देंगे तो स्कूल कैसे रन करेगा। तो दोनों ही बातें हैं, इनको कैसे मतलब आप बैलेंस करना है। बिल्कुल, यहाँ बैलेंस करने की कोशिश की गई है। जगजीत जी, एक सवाल है मेरा। सर देखिए, ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि फीस भरने की स्थिति में ना तो आप छात्रों को निष्कासित कर सकते हैं ना ही उनका परीक्षा परिणाम रोक सकते हैं। ऐसे में जो अभिभावक ऐसे होंगे जो फीस नहीं भर पाएंगे तो उनके लिए आगे के लिए क्या कुछ सिचुएशन यहाँ पर क्लियर की गई है? कभी ना कभी तो उन्हें फीस अपनी भरनी होगी। हमने तो कुछ देना ही नहीं है। देखिए, जैसे उन्होंने बोला अभी काम अफेक्टेड हुआ है, बिल्कुल रियलिटी है, सच्चाई है, लेकिन अगर टीचर्स उनको पूरा काम देते रहे
रहे हैं, क्लासेस देते रहे हैं, तो उनका ये फर्ज बनता भी इतना हमारे पास अभी है, बाकी हम धीरे धीरे दे देंगे। वो एक ऐसा माहौल बन जाता है जिसमें इंस्टीट्यूशन को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती और पेरेंट्स को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर कोई पेरेंट्स ऐसा बोले भी जी मैंने तो देने ही नहीं है, तो वो एक तरह से अच्छा नहीं लगता। तो मुझे इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी डायरेक्शन दी है, इसमें एक डायरेक्शन ये भी दी है, अगर फिर भी किसी पेरेंट्स को कोई दिक्कत है, इसमें लिखा हुआ है वेयर द पेरेंट्स हैव डिफिकल्टी इन रिमिटिंग द फी इन टर्म्स ऑफ दिस एंड टर्म ऑर्डर, इट विल बी ओपन टू दोज पेरेंट्स टू अप्रोच द स्कूल कंसर्न्ड बाय एन इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेशन। भी वो अकेला, नॉट इन ग्रुप, अकेला स्कूल के पास जाकर अपनी जो प्रॉब्लम है उसको शेयर कर सकता है, और स्कूल का फिर भी फर्ज बनता है इसके बावजूद भी अगर उसको कोई ऐसी दिक्कत आती है जैसे सर ने बोला, तो उसमें केस टू केस जो है वो सिंपैथेटिकली उसको कंसिडर किया जा सकता है। इसकी भी प्रोविजन दी है इसमें, इसके जो सी पॉइंट में ऑलरेडी जो प्रोविजन दी हुई है। तो अब स्कूल खुल चुके हैं पूरे कंट्री में, लगभग किसी स्टेट में किसी स्टेज पर किसी स्टेट में जैसे पंजाब में अभी सारी क्लासेस खुल चुकी हैं। तो अब पेरेंट्स हैं जो अब वो कोई प्रॉब्लम फील नहीं कर रहे, क्योंकि बसेस भी रन हो रही हैं, फ्यूल भी लग रहा है, ड्राइवर कंडक्टर फिर अपनी ड्यूटी पर आ गए हैं। तो ये ऐसे में पेरेंट्स अभी तो कोई मुझे समस्या नजर आ नहीं रही। ये जो फीस की प्रॉब्लम थी वो थी पहले 3-4-5 महीनों की, उसके बाद तो पेरेंट्स रेगुलरली पे कर रहे हैं। अगर उसके लिए इसको कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से भी स्कूल कर लेंगे तो भी अच्छा है। जैसे सर ने बोला भी अगर कोई पहले से ही इस बात के लिए एग्री हो चुका है पेरेंट्स से, मैं 80% 90% लेकर बाकी मैं ऐसे ही काम चला लूंगा तो भी अच्छा है। तो मुझे लगता है अब जो गेम है वो कोर्ट की बजाय या जो गवर्नमेंट है स्टेट गवर्नमेंट उसकी बजाय ये पेरेंट्स और स्कूल के बीच आ चुका है ये मसला। तो मुझे लगता है अब ये 1-to-1 केस और पेरेंट्स और स्कूल के बीच में ये समस्या रह गई है और कोई खास बात अभी इसमें करने को नहीं रही है। जी आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि आरटीई के तहत जो एजुकेशन रहती है उसके लिए क्या कुछ प्रावधान इस समय किए गए हैं। पंजाब स्टेट है, पंजाब स्टेट में कोई भी बच्चा आरटीई के तहत एडमिट नहीं हुआ हुआ, क्योंकि जो अकाली गवर्नमेंट थी उस समय इन्होंने लिखकर दे दिया था कि पंजाब में इतने ज्यादा स्कूल हैं कि हर 3 किलोमीटर की दूरी पर स्कूल है, इसलिए पंजाब में ये समस्या नहीं थी। लेकिन बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहां पर बच्चों को 25% बच्चों को प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ने पढ़ाना होता है और वो पढ़ा रहे थे, लेकिन उसकी पेमेंट है जो वो स्टेट गवर्नमेंट ने रीइंबर्समेंट करनी होती है। तो इसमें ये भी डायरेक्शन दी है सुप्रीम कोर्ट ने भी अगर ऐसी स्टेज पर पेरेंट्स की तरफ से फीस हो जो प्रॉपर नहीं आ रही, उस समय जो स्टेट गवर्नमेंट है उनका फर्ज है कि वो 1 महीने के अंदर अंदर जो आरटीई की रीइंबर्समेंट है वो ऐसे स्कूलों को दें ताकि उनका काम जो है वो चल सके, वो अपने टीचर्स को और दूसरे एम्प्लॉयज को सैलरी पे कर सकें। तो इसमें ये राहत की खबर है उन स्कूलों के लिए जिन्होंने गवर्नमेंट की आरटीई स्कीम को अडॉप्ट करते हुए बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया था। तो ये भी पॉइंट अच्छा है जिससे कुछ महीने अपना काम है वो चला सकते हैं। बिल्कुल भरत जी, एक बात बताइए, अभी जिस तरीके से राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है, तो इसी फैसले को आधार बनाते हुए अन्य जो राज्य हैं क्या वो भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं कि हमारे जो राज्य है वहां पर भी आप इसी तरीके की इजाजत दीजिए प्राइवेट स्कूल्स को? देखिए प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन स्कूल का ये जो फैसला आएगा इट विल बी अ लैंडमार्क केस जी एंड विल बी अ गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर ऑल स्टेट्स। और इसमें और भी कुछ कॉमन पेटिशंस पेंडिंग हैं, तो उन सब का भी डिसीजन जो आएगा कलेक्टिव डिसीजन आएगा। तो अगर हम बात पंजाब या फिर हरियाणा जैसे स्टेट की करें तो उनको लेकर अभी क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? दिल्ली के भी कई प्राइवेट स्कूल के जो एसोसिएशन रहे हैं उन्होंने भी जो है अपनी याचिका दायर की थी सर, तो उनको लेकर क्या कुछ अभी आपको सिचुएशन नजर आ रही है भरत जी? देखिए ये राजस्थान में तो स्टेट गवर्नमेंट का फैसला था जी, कि स्टेट गवर्नमेंट ने अपना ये कानून आया था कि स्कूल कैन टेक 60-70% ऑफ ट्यूशन फीस। दैट हैज बीन चैलेंज्ड बाय इन हाई कोर्ट जी। अब वो हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। लेकिन अगर किसी स्टेट ने ऐसा कोई रूल नहीं बनाया है तो वो उस पे कुछ गाइडेंस और डायरेक्शन पे चल रहा है वो, जैसे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने डायरेक्शन दिए थे
कि भाई ऐसे सिचुएशन में आप इस बच्चे को रेस्ट निकालेंगे नहीं, रेस्ट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फीस। तो बिल्कुल ऐसा अभी कोई कोई क्लैरिटी नहीं है, यूनिफॉर्मिटी नहीं है, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट होगा ये जरूर सबको गाइडिंग प्रिंसिपल एस्टेब्लिश करेगा। बिल्कुल, और उसी के आधार पर अब अन्य राज्य जो हैं वो भी अपनी स्थितियों के अनुसार जो है फैसला ले सकेंगे। बिल्कुल भरत जी, आपका बहुत बहुत बिल्कुल शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। जगजीत जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। सर, पंजाब सरकार का क्या कुछ रुख रहा? जैसा कि हमारे साथ भरत सिसोदिया जी जुड़े थे, उन्होंने कहा कि ये तो राजस्थान सरकार का फैसला था कि आप 60 से 70% तक ट्यूशन फीस वसूल सकेंगे। बात अगर पंजाब सरकार की करें तो उन्होंने इस पूरे मामले में क्या कुछ रुख अपनाया? देखिए, ऐसा है, जो पंजाब सरकार का गवर्नमेंट का अपना फैसला था वो था पूरी ट्यूशन फीस का शुरू में, लेकिन उसमें उन्होंने बताया था कि और कोई फंड, कोई एनुअल फंड या ऐसा कुछ नहीं लेना है, तो इसलिए उसमें ट्रांसपोर्ट का कोई जिक्र नहीं था, इसलिए जो फेडरेशन थी वो कोर्ट में गई। लेकिन कोर्ट में जो ऑर्डर किया, कोर्ट ने जो ऑर्डर किया वो ऑर्डर अभी आप पूरी ट्यूशन फीस ले सकते हो। बिल्कुल सर, आवाज आ रही है आपकी। तो उसमें ये फैसला चल रहा है अभी, जो भी आप पूरी ट्यूशन फीस ले सकते हैं, लेकिन वो स्कूल जिन्होंने ऑनलाइन एजुकेशन दी है, वो स्कूल जिन्होंने ऑनलाइन एजुकेशन नहीं दी वो ट्यूशन फीस नहीं ले सकते। लेकिन अब जो फेडरेशन ने एक एप्लीकेशन डाली थी जिसकी सुनवाई आज थी, उसमें क्या मांगा था भी, जो पेरेंट्स हैं शुरू से सर्विस ले रहे हैं लेकिन उन्होंने कोई भी फीस डिपॉजिट नहीं करी, उनको कोई डेट बाउंड करना चाहिए। तो आज उसकी सुनवाई थी, सुनवाई हो चुकी है, उसमें सारा मैटर है जो वो मान जो जज साहबान के आगे रखा था। तो उन्होंने पिछले एक हफ्ता दिया था सरकार को इसका रिप्लाई देने के लिए, लेकिन अब उन्होंने उसकी डेट फिक्स की है, वो 22 फरवरी के बाद रखी है, 2-3 दिन के अंदर मैटर है वो जो स्कूल है उनको फीस मिलनी ही चाहिए, इसका कोई भी एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए, ना कोई स्टेट गवर्नमेंट को इसका कोई एक्सक्यूज लेना चाहिए। मुझे लगता है अब जो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है वो सभी कोर्ट को मानना होता है, तो ये फैसला अच्छा है। लेकिन सभी फैसले बिल्कुल जगजीत जी, इस मसले पर आपसे चर्चा लगातार हम इसी तरीके से करते रहेंगे। आपकी दरअसल वॉइस ब्रेक हो रही है, हम एक बार फिर से आपकी फोन लाइन कनेक्ट करते हैं, आपकी आवाज़ क्लियर हम तक नहीं पहुंच पा रही है। सर, दोबारा माफी चाहूंगी मैं कि इस तरीके से आपको बीच में टोक रही हूँ, एक बार फिर से फोन लाइन आपकी कनेक्ट करते हैं, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। तब तक हम आप लोगों को जानकारी दे दें कि सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें उसने निजी स्कूलों को कोरोना काल के दौरान अभिभावकों से 60 से 70% तक ही बच्चों की फीस लेने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले सोमवार को हुई एक सुनवाई में राजस्थान के गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों के प्रबंधन को यह अनुमति दे दी है कि वह वर्ष 2019-20 के लॉकडाउन के दौरान की पूरी फीस वसूल सकते हैं। हालांकि यह फीस 5 मार्च 2021 से 6 मासिक किश्तों में ली जा सकेगी। वहीं कोर्ट ने राजस्थान सरकार को आदेश दिया है कि वो एक महीने के भीतर गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों को बकाया राशि का भुगतान करे, जो प्राइवेट स्कूलों द्वारा 25% ईडब्ल्यूएस छात्रों को आरटीई अधिनियम के अनुसार पढ़ाने के लिए वहन की जाती है। आपको बता दें कि अगर फीस वसूलने के दौरान कोई अभिभावक ऐसे हैं जो फीस नहीं दे पा रहे हैं तो ना ही उस आधार पर छात्रों को निष्कासित किया जा सकता है और ना ही उनके परीक्षा परिणाम रोके जा सकते हैं। तो अभिभावकों को भी राहत दी गई है, साथ ही जो प्राइवेट स्कूल संचालक हैं उनके लिए भी ये राहत भरी खबर है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला निजी स्कूल संचालकों के लिए राहत भरी खबर लेकर आया है। सुप्रीम कोर्ट ने गत सोमवार को हुई एक सुनवाई में राजस्थान के गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों के प्रबंधन को यह अनुमति दे दी है कि वह वर्ष 2019-20 के लॉकडाउन के दौरान की पूरी फीस यानी कि 100% फीस वसूल सकते हैं। हालांकि यह फीस 5 मार्च 2021 से 6 मासिक किस्तों में वसूली जा सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में राजस्थान सरकार को भी गैर सहायता प्राप्त सभी निजी स्कूलों को एक महीने के भीतर सभी तरह के बकाए का भुगतान करने के निर्देश भी दिए हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि अगर अभिभावक बच्चे की फीस का भुगतान नहीं कर पाता तो स्कूल प्रबंधन इस आधार पर छात्र को ना तो निष्कासित कर सकते हैं और ना ही उसका रिजल्ट रोका जा सकता है। यह महत्वपूर्ण फैसला सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश जस्टिस A.M. खनविलकर और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने दिया है।
और वहीं आपको जानकारी दे दें कि वर्ष 2021-22 के शैक्षणिक सत्र के लिए छात्रों की ओर से दी जाने वाली फीस से यह किश्त अलग होगी। जिस किश्त का भुगतान करने की बात कही गई है वो इस शैक्षणिक सत्र से अलग मानी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले के साथ ही राजस्थान सरकार को आदेश जारी कर दिया है। जगजीत जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी जी। फैसला यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सुनाया था, उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि जो किश्त अभी वसूली जानी है वो 2021-22 के शैक्षणिक सत्र के लिए छात्रों की ओर से दी जाने वाली फीस से अलग होगी। तो इस साल जो फीस जानी है सर, उसका क्या कुछ रहने वाला है, वो किस तरीके से वसूली जाएगी, क्या वो एक साथ देनी है या वो भी किश्तों में दी जा सकती है? देखिए जो अभी जो सेशन स्टार्ट होने वाला है 21-22, इम्पोर्टेंट डायरेक्शन दी है, इसका कोई डिले नहीं होगा, ये रेगुलर फीस पे की जाएगी। ये जो सुविधा दी गई है ये है सिर्फ और 20 और 21 के सेशन की। 20 और 21 के सेशन की जो फीस है, जो पेरेंट्स जिनको कोई प्रॉब्लम आ रही है वो स्कूल के साथ अगर कमिटमेंट करते हैं भी हम आपके बच्चे की हमारी एजुकेशन जारी रखो, हम इसको इंस्टॉलमेंट्स में दे देंगे, ये सुविधा उनके लिए है। तो देनी इसमें एक चीज रहती है, जो पेरेंट्स को अब जो फीस देनी होगी वो पूरी फीस देनी होगी। अब इसमें कोई कंसेशन नहीं है, 60-70% वाली कोई बात नहीं है। अगर पेरेंट्स कोई इंस्टॉलमेंट्स में देते हैं पैसे तो उनको फीस पूरी देनी होगी, ये सुप्रीम कोर्ट का मानना है। कि उनको सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा भी अगर सर्विस दी है स्कूल ने, उनको पढ़ाई करवाई है तो स्कूल को पूरी फीस दें पेरेंट्स हैं जो, तभी वो स्कूल चल पाएगा। लेकिन हाँ, अगर उनके पास कोई प्रॉब्लम है, इकोनॉमिकल उनको कोई दिक्कत आ चुकी थी तो वो धीरे धीरे दे दें, इंस्टॉलमेंट्स में दे दें। ऐसा नहीं है कि किसी बात का हम उसका एक्सक्यूज लेकर हम ये कह दें भी हमने फीस नहीं देनी है। तो पेरेंट्स को फीस जो सुप्रीम कोर्ट का मानना है वो फीस देनी चाहिए, क्योंकि इससे ही इंस्टीट्यूशन चलते हैं जो सेल्फ फाइनेंसड इंस्टीट्यूशन है, इनके पास और अलग से कोई रिसोर्सेज नहीं होते। जी बिल्कुल। तो सर पंजाब की स्थितियों के हिसाब से ये कब लागू हो पाएगा, कोई जानकारी है? अब किस तरीके से आगे यहाँ पर भी जो है प्रोसेस रहने वाली है, क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल है सबकी स्थिति इस लॉकडाउन में एक जैसी ही हो गई है और स्कूल चलाना कोई छोटी बात नहीं है, उनके सामने भी तमाम तरीके की समस्याएं खड़ी हो गई है। तो पंजाब में भी कब स्थितियाँ सुधर पाएंगी? पंजाब में ऐसा है, बहुत सारे 30-40% स्कूल ऐसे हैं जो बंद होने के कगार पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि उनके पास जो पिछले इस पीरियड के दौरान जो फीस थी वो प्रॉपर नहीं आ पाई। अगर अब जो सुप्रीम कोर्ट की ये डायरेक्शन आ चुकी है तो इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है, इसका जो इफेक्ट है, जो स्टेट्स में जो हाई कोर्ट्स हैं उनमें जो कोर्ट केस चल रहे हैं फीस को लेकर, तो उनको नेचुरली इफेक्ट करेगा, क्योंकि जो भी कोर्ट केस चलता है तो उसका जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है तो सभी जो मानयोग्य कोर्ट होती हैं, अपना स्टेट कोर्ट्स होती हैं, हाई कोर्ट्स होती हैं, उनको वो मानना होता है। तो इस संदर्भ में मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कोई फैसला अब नया आएगा तो उसमें ये आ सकता है कि पेरेंट्स को पूरी फीस देनी होगी, लेकिन उसमें उनको सुविधा रहेगी कि वो फीस है जो वो कुछ इंस्टॉलमेंट्स में दे सकते हैं। तो मुझे लगता है इसका जो अभी 22 फरवरी के बाद जो हाई कोर्ट में पंजाब की डेट है उसमें इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। जैसे आज की जो एप्लीकेशन थी उसकी सुनवाई में भी इस जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र हुआ था, लेकिन जज साहबान ने अभी इसमें के लिए टाइम रखा है देखने के लिए भी। देखते हैं जो 22 फरवरी को फैसला आना है, जो केस चल रहे हैं उसमें सुनवाई है, तो तब तक अब इसको होल्ड रखा है। तो नेचुरली जब उसके बाद सुनवाई होगी तो इसका इफेक्ट सभी राज्यों में सभी हाई कोर्ट के फैसलों पर पड़ेगा। ये साफ तौर पर दिख रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है उनका पक्ष अब मजबूत हो गया है। धुरी साहब देखिए, पक्ष की बात नहीं है, अभी कोई भी फैसला मैंने जब भी कोई डिबेट में मैंने पार्टिसिपेट किया है, हर एक फैसले को किसी ना किसी पक्ष में देखा जाता है, ये पक्ष पेरेंट्स के लिए अच्छा है, ये स्कूल के लिए अच्छा है, जबकि ऐसा नहीं है। स्कूल और पेरेंट्स के इंटरेस्ट दोनों के एक हैं। अगर ये फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, अब देखिए इसको अगर दूसरे पहलू से देखना हो भी, पेरेंट्स हैं वो 6 महीने में इंस्टॉलमेंट्स में अपनी पेमेंट दे सकेंगे तो लगेगा पेरेंट्स के पक्ष में है। अगर स्कूल की तरफ से देखेंगे भी उनको पूरी फीस मिल पाएगी तो लगेगा आपको स्कूल के पक्ष में है। तो ये जो फैसला है ये दोनों के ही पक्ष में है, और जो कोर्ट में डिसीजन होते हैं वो कोई इमोशनल डिसीजन नहीं होते, उसमें बहुत से पैरामीटर्स देखे जाते हैं
भी ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये कैसे चलती हैं, तो ऐसा ऐसा भी इनके पास क्या रिसोर्सेज हैं, इनको फंडिंग कहाँ से होती है। जब जो सेल्फ फाइनेंस्ड इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनमें जो पेमेंट आती है वो सिर्फ फीसों से आती है, फीस और फंड से आती है, तो ऐसे में जो कोर्ट के डिसीजन होते हैं वो बैलेंस्ड होते हैं, उसको कभी भी किसी पक्ष में नहीं देखना चाहिए। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। धुरी साहब, तो आपको बता दें कि एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने लिया है। राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए ये कहा गया है कि अब बच्चों से पूरी फीस वसूली जा सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले सोमवार को हुई एक सुनवाई में राजस्थान के गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों के प्रबंधन को ये अनुमति दे दी है कि वह वर्ष 2019-20 के लॉकडाउन के दौरान की पूरी फीस ले सकते हैं। हालांकि यह फीस 5 मार्च 2021 से 6 मासिक किश्तों में ली जा सकेगी। और बुलेटिन में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज़ इन चैनल नंबर पर।